सबसे अच्छी और सबसे सस्ती खिदमात देने के बावजूद हम आपके लिए सिर्फ 20 रुपए में एक हेल्थ कार्ड लाए हैं, जिससे आप डॉक्टर की फीस और हर तरह की जांच पर 20% की छूट पाने के साथ साथ दवाओं पर भी 20% तक की छूट पाएंगे। आज ही रब्ता करें वी केयर पॉलीक्लिनिक डायग्नोस्टिक व फार्मेसी, नेपियर रोड, निज्द अलमास मैरिज हॉल। कॉन्टैक्ट नंबर 0522-3553543, मोबाइल नंबर 8299-575013। मैं हूं आलम रिजवी और आप देख रहे हैं अवधनामा न्यूज। अवधनामा न्यूज में पेश हैं आज की मुख्य खबरें। बेंगलुरु की एक बिल्डिंग में 103 लोग कोरोना पॉजिटिव, ज्यादातर की उम्र 60 के पार। धर्मांतर कानून के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल और मध्य प्रदेश को पक्षकार बनाने की दी अनुमति। किसान नेता की हत्या की साजिश रचने वाले बेल्जियम व ब्रिटेन के खालिस्तानी आतंकी, खुफिया एजेंसी का दावा। भारत की मेजबानी में कोरोना संकट पर सार्क देशों की बैठक कल, पाकिस्तान भी आमंत्रित। एनटीएलएफ सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, डिजिटल पेमेंट से करप्शन में आई कमी, काला धन घटा। सीधी बस दुर्घटना, 50 यात्रियों की हुई मौत, बालसागर नहर में गिरी थी सतना की जा रही बस। वोट के बदले नोट मामले में कांग्रेस सांसद के खिलाफ आरोप तय। रूस और भारत के बीच द्विपक्षीय वार्ता, यूएनएससी एजेंडे पर मिलकर काम करने को लेकर बनी सहमति। नासा के लिए कल का दिन है बेहद खास, मंगल के जजीरो क्रेटर में उतरेगा रोवर परसिवरेंस। बाजार में साल के अंत तक आ सकता है कोरोना का टीका, एम्स निदेशक डॉक्टर गुलेरिया ने जताई उम्मीद। कश्मीर के मेहमान नवाजी के कायल हुए विदेशी राजनयिक, मगाम में DDC सदस्यों से की मुलाकात। चीन में इंटरनेट मीडिया पर सख्ती बढ़ी, ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स को कुछ भी लिखने से पहले लेनी होगी अनुमति। मुश्किल में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा, कोर्ट की अवमानना के आरोप में जा सकते हैं जेल। आजादी के बाद पहली बार किसी महिला को होगी फांसी, परिवार के 7 लोगों की प्रेमी संग की थी हत्या। टाटा मोटर्स लगातार उड़ा रहा मारुति और हुंडई का मजाक, इंटरनेट पर जमकर देखा जा रहा वीडियो। इंग्लैंड के खिलाफ अगले 2 टेस्ट के लिए टीम इंडिया का ऐलान, जाने किसे मिलेगा मौका, कौन हुआ बाहर। कंगना रनौत की तारीफ में राम गोपाल वर्मा ने एक्ट्रेस को बताया न्यूक्लियर बम, मगर बाद में डिलीट किया ट्वीट। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना।